आज हम मरुआ से एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मरुआ को हम लोग नाचनी भी बोलते हैं, रागी भी बोलते हैं, तो लेकिन आज मैं इसे रागी ही कहूँगी। आज रागी से एक ऐसा नाश्ता तैयार की हूँ जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। जैसे डायबिटीज वालों के लिए ये तो अमृत है, ये एनीमिया में भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद और आवश्यक है। इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं, इसे आप नाश्ता, टिफ़िन और लंच में भी दे सकते हैं और ले सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने चैनल सुनीता की सोना रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रागी से टिफ़िन और नाश्ता बनाना, जिसे हम डम्बो बोलेंगे। सबसे पहले हम पानी को गर्म करेंगे, जितना आटा उतना ही पानी लेंगे। एक कटोरी आटा से एक कटोरी पानी लें, थोड़ा गर्म होने पर उसमें घी और नमक डाल दें। आप लोग को पसंद आए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इस तरह से इसको हम लोग मरुआ बोलते हैं। बस इसका आटा बना लेना है और बना करके इसी के आटे का, तो चलिए शुरू करते हैं मरुआ के आटे से नाश्ता और टिफ़िन बनाना। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। फिर इसमें नमक डाल देंगे। और इसे खौलने देंगे। पानी खौल गया है, अब इसको उतार के रख लेंगे। अब एक बर्तन में मड़ुआ का आटा है, यानी रागी का आटा है, इसको एक कटोरी रागी का आटा है, अब मैंने इतना ही एक कटोरी पानी गर्म किया है और जितना लगेगा उतना ही इसमें हम लगाएंगे। एक कटोरी रागी का आटा है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसमें हम घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिला लेना है। इसमें भी थोड़ा नमक डाल देंगे। अब इसमें धीरे धीरे पानी डाल करके इसका हम एक डो बनाएंगे। डो बन गया है, अब इसको एक बर्तन से ढक देंगे और थोड़ा देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके लिए हम कुछ मसाले तैयार करेंगे, जिसमें दो प्याज को मैंने कट करके रख लिया है, एक टमाटर को कट कर लिया है, लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट बना के रख लिया है और इमली का ये रस है, इमली के गुदा को रस बना करके छान के रख लिए हैं। ये मरुआ का आटा जो कि मेरा सेट हो चुका है। इस आटे में से अब छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। अब इस लोई को हाथ पर घुमाते हुए इसका लंबा लंबा डम्बो बनाएंगे, इस तरह से, बीच में मोटा और दोनों साइड से पतला। अब
और इसको एक प्लेट में रखते जाएंगे। पहले सादे का बना लेंगे। इस तरह से मैंने सबका डम्बो बना लिया है। दोनों तरफ से पतला और बीच में मोटा, एकदम छोटा छोटा जितना पतला बना सकते हैं बना लें, कोई भी आकार दे सकते हैं। अब एक बर्तन में हम पानी गर्म करेंगे। आधा लीटर पानी को हम गर्म करेंगे। इसे ढक देंगे, ढक करके पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। देखिए पानी खोलने लगा है। अब इसमें एक एक करके सारे डम्बों को हम डाल देंगे। और इसको कुछ देर तक खुला ही रखेंगे और इस तरह चलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा एकदम धीरे धीरे चलाना है, नहीं तो टूट जाएगा। जब थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो एक ढक्कन से इसको ढक दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे पकने दीजिए। अभी 5 मिनट हुए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ तो तैर के ऊपर आ गए लेकिन कुछ नीचे ही बैठे हुए हैं, इसलिए अभी हम इसको और 5 मिनट होने देंगे। फिर से ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और इसे होने देंगे। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए भाप में तो उतना नहीं दिख रहा है लेकिन ये सब एकदम अच्छे से ऊपर तैर रहे हैं। ये एकदम अच्छे पक चुके हैं। अब इसको एक छलनी में हम छान लेंगे। इस तरह से छलनी में हम छान लिए। देखिए कितना अच्छा डम्बू तैयार हुआ है। और इस पर ठंडा पानी डाल कर इसको हम धो देंगे जिससे इसमें चिपचिपापन नहीं रहे। अब इसमें कुछ और नहीं लगाना है, इस तरह से इसको हम ठंडा होने देंगे। पहले इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो गया है इसके लिए डम्बो हो गया कि एकदम सूखा सूखा हो गया एकदम पूरा। ऐसे भी आप खा सकते हैं। और प्याज टमाटर और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, ये तिल छौंक लगाने के लिए, और ये इमली का रस। अब हम इसका छौंक लगाएंगे। कढ़ाई हम गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, बीच में हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को चटकने देंगे, अच्छे से चटक जाए तो इसमें तेल डाल देंगे। अब इसको भी थोड़ा चटकने देंगे क्योंकि ये चटक रहा है। अब इसमें हम डम्बो को लेके डाल देंगे। थोड़ा देर इसे हम चलाएंगे। अब इसमें सारे मसाले मिलाएंगे, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट पहले डाल देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर प्याज डाल देंगे, इसको भी सॉफ्ट होने तक थोड़ा पका लेंगे। ये जब सॉफ्ट हो जाएगा अब टमाटर डाल देना है और टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक पकने देना है।
इसमें चाहें तो आप हल्का सा नमक डाल सकते हैं, क्योंकि नमक हम पहले भी डाले हैं, इसलिए बहुत कम ही नमक डालना है। अब इसमें हम कुछ चाट मसाला, MDH का मसाला, ये हम डाल दिए हैं और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसमें थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। सबको डाल करके इसको अच्छे से भूनेंगे। यह भून गया है, अब इसमें हम अमचूर पाउडर डाल देंगे। बहुत ही अच्छा चटपटा है इसका टेस्ट है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, इतना चटपटा नाश्ता बनेगा, जिसे आप कभी भी खा सकते हैं। आप इसमें इमली का रस डाल दें और डाल करके इसको और थोड़ा सा और पका लें। ये सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। आप इस तरह चलाते हुए 5 मिनट पका लें। अब ये नाश्ता मेरा तैयार है, अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा नाश्ता बना है मेरा। अगर मेरा टिफिन अच्छा लगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बहुत अच्छी लगी तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी रेसिपी का पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले रेसिपी में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस इसे गर्म पानी में डालिए और इसका डम्बू बना कर पहले तल लीजिए, उसको छान लीजिए पानी में छान करके, और बस इसे प्याज टमाटर इमली का पेस्ट ये सब डाल करके, थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल करके इसको फ्राई कर लीजिए, और फिर इसे इसका नाश्ता तैयार हो गया। आज का वीडियो इतना ही तक था। जय हिंद, जय भारत।